मगरमच्छ जो है छोटी मछलियों को पूरा खा जाएगा। और मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए कि बड़ी कंपनी जो है बड़ा काम करे और छोटे लोग जो है छोटा व्यवसाय करे, इसलिए देश में सरकार की तरफ विश्वास पैदा होता है, सरकार के ऊपर उम्मीद जागती है। और जिस तरह से हमने हमेशा सरकार को ये कहा है कि जिस शहर में 3 करोड़ से कम आबादी है वहां इन चीजों के स्टोर जो है जम्मू में नहीं आने चाहिए। और ऑलरेडी जो हमारा जम्मू है वो मिलिटेंसी हिट स्टेट है, पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है, चाइना का बॉर्डर नजदीक है, बेरोजगारी जो है चरम छू रही है। और दूसरी तरफ सरकार इस तरह के ऑर्डर लाती है और रिलायंस की खोलने की परमिशन देती है, तो मैं समझता हूँ हमारे सारे छोटे छोटे व्यापारी जो है उजड़ जाएंगे। और मैं समझता हूँ जो दूसरा फैसला लिया है, गलत फैसला लिया है, रेस्टोरेंट के अंदर बियर बेचने की जो अनुमति दी है, इससे समाज के ऊपर जो है पूरा असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान आगे ही हमारे जम्मू के अंदर नशीले पदार्थ बेचता है और इससे हमारे कई युवा जो है झूम रहे हैं। और अब जो है रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंट बच्चों के ऊपर जो है काफी असर पड़ेगा। मैं ट्रेड कम्युनिटी ने आपको जो है सलाह दी है कि जो है डिपार्टमेंट के अंदर जो है बियर बेचने की अनुमति दी जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब व्यापारी इसके विरोध में है और जम्मू की जनता इसके विरोध में है, किसके कहने पे ये ऑर्डर किया गया है? किसके कहने पे ये ऑर्डर किया गया है? जो है सड़कों पे उतरेगी, भूख हड़ताल करेगी, धरने प्रदर्शन करेगी, और अगर हमें जम्मू बंद करना पड़ा तो हम जम्मू बंद करेंगे। लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि आपने व्यापारियों को बचाना है या उजाड़ना है, आपने किसकी मंशा से ये रिलायंस के स्टोर जो है जम्मू के अंदर खोलने लगे हो? क्या छोटे व्यापारी काम करते आपको अच्छे नहीं लगते? क्या आपकी यही यही मंशा है कि आप बड़े बड़े कारखानों को यहाँ से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे जम्मू में आए और छोटे छोटे दुकानदारों को तबाह कर दिया जाए? और मैं समझता हूँ ये सोची समझी साजिश है, हमारे जम्मू के व्यापारियों को बिल्कुल खत्म करने की बात है। हम व्यापारी वर्ग कभी ऐसा नहीं होने देंगे, कभी जो है इस पॉलिसी के हमेशा अगेंस्ट रहेंगे। आगे हमारे वॉलमार्ट जब से ये जम्मू में खुला है और हम जो है पूरे छोटे व्यापारी जो है